बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। मेरा नाम कंचन है, बंगला नंबर 24, मड आइलैंड। तो आप कहते हैं कि ये कैसेट आपको मड आइलैंड के रास्ते से मिली? जी सर। थैंक यू वेरी मच। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने जो ये काम किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक फेवर और कीजिए, अपना एड्रेस लिखवाते जाइए, आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुलवा भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। मेरा नाम कंचन है, बंगला नंबर 24, मड आइलैंड। एक मासूम की जान खतरे में है श्रीवास्तव। बंगला नंबर 24, मड आइलैंड। भाई साहब, वो बंगला नंबर 24 कहाँ पर है? आगे से राइट मोड़ लीजिए, वो मोड़ के पास है। ओके, थैंक यू। सर, ये बंगला और इसकी हालत देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई यहां रहता होगा। जरूर किसी ने हमसे मजाक किया है। नहीं श्रीवास्तव, उस लड़की की आवाज में इतना खौफ था, इतनी दहशत थी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का मजाक हमसे कर सकता है। शी इज इन ट्रबल श्रीवास्तव, आई एम क्वाइट श्योर। सर वो देखिए, पुलिस आप यहां क्या कर रहे हैं? इस बंगले के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है हमें। आपकी तारीफ, आप कौन है? मेरा नाम अशरफी लाल है, मैं इस बंगले का केयर टेकर हूं। आप यहां इसी बंगले में ही रहते हैं? जी नहीं, मैं तो वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता हूं। अशरफी लाल जी, इस बंगले के अंदर और कौन कौन रहता है? जी कोई नहीं, ये बंगला तो सालों से बंद है। श्रीवास्तव, अशरफी लाल जी इस आवाज को सुनिए और पहचानिए कि आवाज किसकी है। क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं?
मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मुझे जीना है। ये तो कंचन की आवाज है। ये कंचन कौन है? ये ठाकुर राजेंद्र प्रताप की छोटी बेटी। ये कंचन इस वक्त कहाँ मिलेगी? अशरफी लाल जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये कंचन इस वक्त कहाँ मिलेगी? देखिए साहब, 3 साल पहले अपने बाप के मौत के सदमे से ये पागल हो गई थी। इसकी बहन पूनम ने इसे पागलखाने में दाखिल करवा दिया। बाद में पता चला ये वहां से भाग गई। और फिर उसके बाद उसका कुछ पता लगा आपको? जी नहीं। लेकिन ये ऑडियो कैसेट तो हमें इसी इलाके से मिला है, तो हो ना हो कंचन यहीं आसपास कहीं होनी चाहिए। जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। चलिए आइए अशरफी लाल जी, ये बंगला दिखाइए हमें अंदर से। देखिए सब, इस वक्त तो बहुत अंधेरा है, सुबह आ जाइएगा। देखिए अंधेरे की चिंता आप मत कीजिए, हम अभी और इसी वक्त ये बंगला देखना चाहते हैं। चलिए अंदर आइए। चलिए चलिए। क्या नाम बताया आपने इस बंगले के मालिक का? ठाकुर राजेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए कि उनकी मौत कैसे हुई थी? ठाकुर साहब की मौत की दास्तान बड़ी अजीब है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप बता सकते हैं। ठाकुर साहब के नाम का होटल प्रताप एक होटल था, जिसकी देखभाल उनके बचपन के सबसे अजीज दोस्त वीरेंद्र प्रताप सिंह किया करते थे। वीरेंद्र प्रताप सिंह होटल को ठीक से संभाल नहीं पाए। भारी नुकसान उठाने के बाद होटल को बंद करना पड़ा। ठाकुर साहब अपनी सारी कमाई होटल में लगा चुके थे। होटल बंद होने के बाद उनको घर में पैसे की तंगी महसूस होने लगी और फिर उन्होंने अपने गांव की जमीनें बेच बेच कर अपना घर चलाना शुरू किया। एक दिन वीरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर साहब से मिलने आए और उनके साथ कुछ आदमी थे। Beautiful piece. Fantastic collection, Thakur sahab. Yes, sir. These are rare antiques. It must be very old. How old are they? 1,000 year old. 1,000 years old? Thakur sahab, क्या आप ये antiques बेचना चाहेंगे? No. हम इसे बेचना नहीं चाहते. ये हमारे पुरखों की निशानी है. I can offer you a very good price. 25 lakhs? देखिए, आप लोग वीरेंद्र सिंह के साथ आए हैं
इसलिए ये एंटिक्स मैंने आपको दिखाए। बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता बाबूजी। नहीं पूनम बेटी, सोच लीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, हाउ मच मनी डू यू वांट? नो सर, आई डोंट वांट टू सेल देम। 50 लाख? इनकी कीमत करोड़ों में है, दे वर्थ करोड़्स। 1 करोड़? पूनम बेटी, पुरखों की अमानत की कीमत नहीं लगाते। ओके ओके ओके, 2 करोड़। 2 करोड़? वीरेंद्र सिंह, ये एंटिक्स हमारे लिए बेशकीमती है, इनके साथ हमारे खानदान की यादें जुड़ी हुई है। ठाकुर साहब, नो प्लीज डोंट से नो, वी आर रेडी टू पे 3 करोड़ रुपीस। देखिए, आप लोगों ने इनकी कीमत को पहचाना, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। सॉरी, मैं इसे बेच नहीं सकता। बाबूजी, आप ये पूनम, तुम बीच में मत बोलो। नाइस मीटिंग यू। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ठाकुर साहब, मैं इन्हें बात छोड़ कर आता हूं। क्या हो गया है? हमें पैसों की तंगी है और मैं 3 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया? इन एंटिक्स को पुरखों के इमारत के नाम पर घर पे रखना सरासर पागलपन है। बस, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? आपने सिर्फ अपने और अपने पुरखों के बारे में सोचा है। आपका क्या बाबूजी? आपकी जिंदगी तो कट गई है, अब हमारे बारे में सोचिए। तीन करोड़ से हम अपने होटल को वापस शुरू कर सकते थे। दीदी प्लीज बस करो, बाबूजी ने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। अरे छोड़ो कंचन, अगर बाबूजी ने कभी भी कुछ सोच समझ के किया होता ना, तुम्हारी ये नौबत नहीं आती। पूनम, बस, बहुत बोल चुकी तुम। बोलूंगी और बोलूंगी। आपके अजीज दोस्त, पहली बार उन्होंने कोई अच्छा काम किया है उन लोगों को यहाँ लाकर, वरना हमेशा तुम्हारा नुकसान निकलाते आए हैं। पूनम, वीरेंद्र सिंह तुम्हारे चाचा के बराबर है। भाड़ में गया था चाचा, तुम्हारी बर्बादी का कारण है ये। बदतमीज लड़की, मुझ पर इल्जाम लगाती है। मुझे छुआ? क्या? तुम्हारी ये तमीज सिखाई है मैंने तुझे? उसी रात ठाकुर साहब ने वकील को बुलाया और दोनों ने कमरा बंद करके काफी देर तक बातचीत की। अगले दिन सुबह वकील कुछ कागजात लेकर आया और फिर दोनों ने कमरा बंद किया और काफी अरसे तक बातचीत की। वकील साहब के जाते ही ठाकुर साहब और पूनम ने झगड़ा शुरू हो। बाबूजी, आज सुबह वकील साहब क्यों आए थे? मैंने अपनी वसीयत करवा दी है। क्या लिखा है वसीयत में? वक्त आने पे पता चल जाएगा। मैं अभी इसी वक्त जाना चाहती हूँ। जिद मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा क्या लिखा आपने वसीयत में कि आप मुझे बताना नहीं चाहते? देखो,
तुम्हें जितना लाड़ प्यार दिया उतनी ही तुम सर पे चढ़ती जा रही हो, हर बात पे बहस करती हो। आप मुझे बताते क्यों नहीं? नहीं बताऊंगा। छोड़ दो मुझे। इस घर में मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। मैं जीना नहीं चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। नहीं, देखो बेटी, ये खेल मत खेलो। छोड़ दीजिए भाई मुझे। छोड़ दो मैडम। जीना नहीं चाहती। छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? और उसी दिन ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और लोगों से ये कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से ठाकुर साहब का देहांत हो गया है। आई सी। और वो पिस्तौल भी मेरे पास है जिससे ठाकुर साहब को गोली लगी थी। क्या मैं वो पिस्तौल देख सकता हूँ? मेरे क्वार्टर में है। आइए चलिए। आपको पूरा यकीन है कि वो हत्या इसी पिस्तौल से की गई थी? जी हाँ। लेकिन इसमें तो 6 की 6 गोलियां बिल्कुल कायम। साहब ये प्रॉब्लम आज तक मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि एक गोली तो चली और वो ठाकुर साहब को लगी। देखिए साहब, अब ये प्रॉब्लम आपको ही सुलझानी होगी। सुलझा दूंगा। ये बताइए अशरफीलाल जी कि ठाकुर साहब के घर में और कौन कौन रहता है? जी उनकी बड़ी बेटी पूनम। और वो पूनम कहाँ रहती है कुछ आप बता सकते हैं? जी वो अपने नए बंगले में रहती है। अब तो उसने दोबारा होटल भी चलाना शुरू कर दिया है और अच्छा चल रहा है। वो जो ठाकुर साहब के दोस्त थे वीरेंद्र, वो आजकल कहाँ हैं? क्या बताऊं साहब, ठाकुर साहब की मौत के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। श्रीवास्तव। यस सर। हमें सबसे पहले पूनम को मिलना होगा। मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर, ये आवाज कंचन की ही है। चलिए ये तो तय हुआ कि आवाज कंचन की है। अब सवाल ये उठता है कि कंचन कहाँ है? उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके ये कैसेट मॉडलिंग की सड़क पे क्यों छोड़ी और कौन मारना चाहता है कंचन को? आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर। एक्चुअली कंचन को एक्टिंग का शौक था। वो अक्सर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुना करती थी। लेकिन हमें ये कैसेट जिस इलाके से मिला है इसका मतलब ये हुआ कि कंचन उसी इलाके में कहीं है। नहीं इंस्पेक्टर, ये उसका रिकॉर्ड किया हुआ कोई पुराना कैसेट होगा। कंचन को तो मरे 2.5 साल हो गया है। कंचन मर चुकी? कैसे कैसे हुई उसकी मौत? बाबूजी अचानक हार्ट अटैक से चल बसे। कंचन को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। पूनम जी, आपके बंगले का वो जो केयर टेकर है शर्फीलाल, अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप सच बोल रही हैं?
और अगर वो सच बोल रहा है तो आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अशरफी लाल के हिसाब से आपके डैड की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि आपके साथ झगड़े में गोली से हुई थी। झूठ बोलता है वो। वो ये तक नहीं जानता कि आपकी बहन 2.5 साल पहले मर चुकी है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। वो ये समझता है कि आपकी बहन तो गायब हो गई। ये तो यकीनन आप ही हैं और ये आपके पिताजी हैं और ये आपकी बहन कंचन। पूनम जी, ये तस्वीर कुछ ज्यादा पुरानी तो नहीं लगती? मेरे ख्याल कितने साल पुरानी होगी ये? 4 साल। हाँ, 4 साल। इस कैसेट ने मुझे बड़ा कंफ्यूज सा कर दिया है कि सच कौन बोलेगा, कंचन जिंदा है या मर गई? आप बोलेंगी, अशरफी लाल बोलेगा या खुद कंचन? हाय पूनम, हाउ आर यू? आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। और आप? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह? वीरेंद्र सिंह बाबूजी के पुराने दोस्त हैं। आई रिमेम्बर। इफ यू डोंट माइंड, आपका विजिटिंग कार्ड ले सकता हूं मैं? श्योर। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। कल अगर आपके पास। जी कल शाम को तो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं कल सुबह हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, वहीं बैठ के बातचीत कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र सिंह जी, एंड थैंक यू मैम फॉर योर कोऑपरेशन। यू वेलकम। ये इंस्पेक्टर मुझसे क्यों मिलना चाहता था? मेरे ख्याल से कंचन के सिलसिले में। श्रीवास्तव, इस म्यूजिक कैसेट को रिलीज हुए तकरीबन कितना अरसा हुआ होगा? सर, ये फिल्म तो पिछले महीने ही रिलीज हुई है, और जहां तक कैसेट का सवाल है, कैसेट 2-2.5 महीने पहले ही मार्केट में आया होगा। 2-2.5 महीने पहले? तो फिर कंचन को मरे 2.5 साल कैसे हो सकते हैं? मुझे तो कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूनम का कहना है कि कंचन को मरे 2.5 साल हो गए हैं, तो फिर ये लेटेस्ट म्यूजिक रिलीज कैसे जिसको 2.5 महीने हुए हैं, इसके अंदर उसकी आवाज कहां से आई? यानी कि पूनम हमसे झूठ बोल रही है। पूनम, कंचन जिंदा है श्रीवास्तव, और शर्फी लाल सच बोल रहा है। शायद वो कुछ और भी जानता होगा। हमें उससे एक बार और मिलना पड़ेगा।
गॉड श्रीवास्तव, इससे पहले कि ये कुछ और बता पाता, किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया। श्रीवास्तव तुम लाश के पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो, मैं जरा मैं ये बंगला एक बार फिर देखना चाहता हूँ। ठीक है सर, दिन के उजाले में। ओके टेक केयर। श्रीवास्तव, इस बंगले की बिजली कटी हुई है ना? यस सर। ये पानी में जो वाइब्रेशन हो रहा है, पानी में जो कंपन हो रही है, इसके मायने ये हुए कि इस बंगले में या इस बंगले के आसपास कोई हैवी मशीनरी चल रही है, कोई मोटर चल रही है, कोई एसी चल रहा है। श्रीवास्तव तुम लाश को भेजने का बंदोबस्त करो, मैं देखता हूं।
कौन है आप? यही सवाल मैं आपसे करता हूं कि बाहर से खंडहर और अंदर से 5 स्टार जैसे कमरे में आप क्या कर रहे हैं और कौन हो तुम? मैम, कंचन को यहां पर क्यों छुपा रखा तुमने? जवाब दो, मैं कहता हूं जवाब दो, वरना ये ट्रिगर दब जाएगा। जी, मैं तो कंचन की नर्स हूं और मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज आप मुझे मत मारिए, हमें तो कुछ लोगों ने यहाँ पे किडनैप कर रखा है। छोड़ो मुझे। हवादार, अगर कुछ बोला तो मैं उस दरवाजे के पीछे होके शूट कर दूँगा। यही तू अपनी बहन के साथ कैद रहेगी। पुलिस तुझ तक पहुंच चुकी है। नितिन, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं फंस जाऊंगा, इसीलिए अब तुझे ठाकुर साहब और अशरफी के पास जाना होगा। ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा नितिन बाबू। बोल क्यों किया तुमने ये सब? बोल। मैं बताती हूँ, बाबूजी की दौलत हथियाने के लिए मैं इससे बहुत प्यार करती थी और उसने इसी बात का फायदा उठाया। बाबूजी की एंटिक्स बेचने पर इनकार करने और मेरे उनसे हुए झगड़े के बारे में मैंने इसे सब कुछ बता दिया था। मैं तो ये सोचती रही कि बाबूजी की मौत मेरे हाथों गोली चलने से हुई है, लेकिन बाद में नितिन ने मुझे बताया कि हमारे झगड़े का फायदा उठाकर उसने बाबूजी पर गोली चलाई खिड़की से। आगे से राइट मोड़ लीजिए, वो मोड़ के पास है। और इसीलिए ठाकुर साहब की रिवॉल्वर में 6 की 6 गोलियां बिल्कुल कायम थी। और घबराहट में तुम लोग वो रिवॉल्वर चेक करना भूल गए, करेक्ट? ठाकुर साहब के एंटीक मैंने 4 करोड़ रुपए में बेच दिया, फिर मुझे उनकी वसीयत मिली। वसीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी और इनकम के 80% कंचन को मिलने वाला था और 20% पूनम को। लेकिन ठाकुर साहब को शक था कि पूनम कंचन को मारकर सारी प्रॉपर्टी हटिया लेगी, इसीलिए उन्होंने विल में 2 कंडीशन रखी। पहली कि अगर कंचन की मौत हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, और दूसरी हर दूसरे महीने में कंचन की कोर्ट में पेशी होगी। इसीलिए मैंने कंचन को मेंटल हॉस्पिटल से अगवा किया और उसे यहां पर कैद किया, और
हर दूसरे महीने में कोर्ट में पेश करता रहा। नितिन ने मेरे होटल से बहुत सारे गैरकानूनी धंधे शुरू कर रखे थे और ये मुझे धमकाता रहा कि अगर मैंने किसी को भी कंचन के बारे में बताया तो ये मुझे इन गैरकानूनी धंधों के जुर्म में फंसवा देगा। मैं इसके साथ पैसा कमाने के चक्कर में ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व थी और मैं बुरी तरह से इसके जाल में फंस गई थी। जैसे आज मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बच गई। यही होता है पूनम जी, जब कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की हवस में इंसान गलत रास्ता अख्तियार करता है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।